Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए SOF Olympiad से क्लास सेकेंड के सिलेबस एंड सैम्पल पेपर कंप्यूटर सब्जेक्ट से लेकर आई हूँ इंटरनेशनल कंप्यूटर या साइबर ओलम्पियाड. इसके बारे में आज हम जानेंगे कि एग्ज़ाम किस बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है, कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, एग्ज़ाम की अप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है, एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, बच्चे एग्ज़ाम कहाँ पर देंगे, रजिस्ट्रेशन और फीस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है, लैंग्वेज क्या रहेगा एग्ज़ाम का, टाइमिंग कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यह साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा SOF ओलम्पियाड करवाए जाते हैं. कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए क्लास फर्स्ट से 10 तक के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट की ओलम्पियाड एग्ज़ाम करवाई जाती है. इसमें कोई भी बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर सकता है. एग्ज़ाम लेवल इंटरमीडिएट रहती है और अप्लीकेशन प्रोसेस रेस्पेक्टिव स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा करवाई जाती है. अर्थात बच्चे स्कूल के द्वारा ही फॉर्म को भरकर इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं. इंडिविजुअल या ऑनलाइन इस ओलम्पियाड का एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता है. एग्ज़ाम डेट कंप्यूटर के लिए 20 दिसंबर 21 जनवरी दो डेट दिए गए हैं. इन दोनों डेट में से स्कूल के द्वारा जो डेट चूज की जाती है उस स्कूल में उसी डेट पर कंप्यूटर साइंस की एग्ज़ाम होगी. एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन रहेगा, अर्थात बच्चे स्कूल में बैठकर स्कूल टाइमिंग में इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे. फ़ी ऑफ रजिस्ट्रेशन ₹125 रहता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्डक्ट साल में एक बार यह एग्ज़ाम करवाई जाती है. लैंग्वेज हिंदी में रहता और ड्यूरेशन 1 आवर का रहता है. अब आइए इसके सिलेबस और सैंपल पेपर हम देखें. क्लास सेकेंड में कंप्यूटर सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या रहता है इसका और पैटर्न क्या रहता है. साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा पूरा अवश्य देखें. तो चलिए इसके हम सैंपल पेपर और सिलेबस देख लेते हैं. ये हमारा क्लास सेकेंड का सैंपल पेपर है. SOF इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस ओलम्पियाड इसको कहा जाता है, पूरा नाम इसका ये हो जाता है. एग्ज़ाम पैटर्न एंड मेकिंग इसके हम देख लेते हैं. टोटल क्वेश्चंस इसमें 35 रहते हैं और टोटल टाइमिंग 1 आवर्स का रहता है. क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में बटा होता है, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अचीवर सेक्शन. लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है. कंप्यूटर साइंस से 20 क्वेश्चंस रहते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है. अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स. सिलेबस सेक्शन 1 पैटर्न और 1 आउट, मेजरिंग यूनिट, जियोमेट्रिकल सेप, एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहता है. अब कंप्यूटर का हम सिलेबस देख लेते हैं. कंप्यूटर में होता है कंप्यूटर, स्मार्ट मशीन, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, लर्निंग टू यूज कीबोर्ड एंड माउस, MS Paint, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस रहता है. ऑलमोस्ट यही सिलेबस आपके किसी भी बोर्ड में क्लास सेकंड के बच्चों का रहता है, चाहे वो CBSE बोर्ड से हो या कोई भी स्टेट बोर्ड से बच्चा क्लास सेकंड में पढ़ रहा है, तो ऑलमोस्ट कंप्यूटर के यही सिलेबस रहते हैं. सेक्शन 3 में IT गैजेट, डिवाइस, एप्स, कंप्यूटराइजेशन एंड अदर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT. सेक्शन 4 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2 एंड 3 के जो सिलेबस हैं उसी से सेक्शन 4 में अचीवर सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अचीवर क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग रहते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, अर्थात क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट में रखकर क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाता है. चलिए अब हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन है, 4 इक्वल ग्रुप्स ऑफ बटरफ्लाई ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन बटरफ्लाई. ये बटरफ्लाई दिया हुआ है, इसमें से आपको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है और बताना है ये कितने ग्रुप बनकर तैयार होंगे. तो चलिए इसमें देख लेते हैं. 4 इक्वल पार्ट्स में बटे हैं, ये 4 हो गया, 4 4 4 एंड 4. तो ये जो है हमारा कितने ग्रुप्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 ग्रुप हो गए. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए. फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज टू फॉलो आइदर रो वाइज एंड कॉलम वाइज. इसमें रो वाइज रो हमारा इस तरह हो जाता है, कॉलम ऊपर से नीचे हो जाता है. इस आधार पर हमको नंबर को कैलकुलेट करके बताना है कि यहाँ पर किस तरह के नंबर आएंगे. इस तरह की वीडियो मैंने आपको
पहले ही हमने अपने चैनल पर बना के रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा और इसके डिटेल्स देखना चाहते हैं तो एक बार उस वीडियो को अवश्य विजिट करें और इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। विच लेटर फोर्थ टू लेफ्ट द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड, अर्थात इसका मतलब है दाईं तरफ से तीसरे लेटर के चौथे अक्षर कौन से हैं। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए, दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है, इसको हम साइज बढ़ा सकते नहीं हैं। एक मिनट हम देख लेते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। चलिए, दाईं ओर से तीसरा अक्षर, तो राइट यहाँ लिखा हुआ है तो इधर क्या हो गया हमारा लेफ्ट। दाईं ओर से तीसरा अक्षर, तो 1 2 3 तीसरा अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर, बाईं ओर हमारा लेफ्ट साइड इधर ही जा रहा है, तो चौथा अक्षर क्या हो गया 1 2 3 4। चौथा अक्षर कौन सा है, ये है हमारा चौथा अक्षर। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये हमारे रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जबकि आपका एग्जाम में टोटल 35 क्वेश्चन सारे मिलाकर रहते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। नंबर 4, अ कंप्यूटर नीड्स डेट टू रन, कंप्यूटर को रन करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, ए एनर्जी, बी इलेक्ट्रिसिटी, सी एयर एंड वाटर, डी कोल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स रन आवर कंप्यूटर इवन ड्यूरिंग पावर फेल्योर, पावर फेल्योर मतलब पावर अगर नहीं रहता, बिजली अगर चली जाती है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जरूरत होती है, ए बी हमारा स्पीकर है, सी यूपीएस है, डी प्रिंटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यूपीएस। यूपीएस लाइन कटने के बाद भी आपका कंप्यूटर चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारे चैनल को अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग टू की विद देयर रिजल्ट, अज्यूम कैप्स लॉक इज करेंटली ऑफ, कैप्स लॉक ऑफ किया गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। हमें करेक्ट नहीं इनकरेक्ट यानी गलत देखना है। कैप्स लॉक का काम क्या होता है, कैप्स लॉक अगर हम ऑन रखते हैं तो लेटर हमारा कैपिटल में लिखाता है और कैप्स लॉक अगर बंद रहता है तो स्मॉल में लेटर लिखाता है। अब यहाँ पर देखिए ए है 90, अगर कैप्स लॉक बंद भी है तो हमारा इस दोनों ई से 90 ही लिखाएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट सी शिफ्ट प्लस बी, अगर शिफ्ट के साथ बी को हम प्रेस करेंगे तो यही लिखाएगा। नेक्स्ट है 7 5, एंड का साइन है, परसेंटेज का साइन है, एंड और परसेंटेज ऊपर वाले लेटर यहाँ से नहीं लिखाएंगे, कैप्स लॉक ऑन है, तो ये हम शिफ्ट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन है तो हमारा 7 और 5 ही लिखाएगा, तो ये डायरेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ये है ऑप्शन बी इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नंबर 7, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, द ऐप शो इन द गिवन इमेज कैन बी यूज्ड डैश, ये किस चीज का ऐप शो हो रहा है, ये ऐप जो है हमारा व्हाट्सएप का शो हो रहा है। द शेयर इमेज लोकेशन एक्सेट्रा, इससे हम इमेज और लोकेशन शेयर कर सकते हैं। बी मेक वॉइस कॉल, वॉइस कॉल हम कर सकते हैं। सी मेक वीडियो कॉल, इससे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। एंड डी ऑल ऑफ दी, तो व्हाट्सएप से हम ये सभी काम कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए डैश इज द वायरलेस डिवाइस डैट यूज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट अ स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर टू प्ले ऑडियो, इसमें से कौन सा ऐसा वायरलेस डिवाइस है जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो सकता है, ए ब्लूटूथ स्पीकर, बी स्मार्ट बैंड, सी लैपटॉप या डी ड्रोन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्लूटूथ स्पीकर। ब्लूटूथ स्पीकर को हम कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन से, टैबलेट से या कंप्यूटर के प्ले ऑडियो हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अचीवर सेक्शन।
अचीवर सेक्शन जो कि ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, हाई थिंकिंग क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर इज एन एडवांस मशीन व्हेन कंपेयर टू कैलकुलेटर बिकॉज द कंप्यूटर एक एडवांस मशीन है कंपेयर कैलकुलेटर के। तो क्यों है? क्योंकि ए कैन परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। बी कैन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, हम लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। एंड सी मेमोरी एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें मेमोरी रहता है और लार्ज अमाउंट में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटी कंप्यूटर्स में होती है, इसीलिए कंप्यूटर्स जो है एडवांस मशीन है कंपेयर टू कैलकुलेटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कंप्यूटर शुड यूज टू प्ले गेम एट होम। इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसके द्वारा आप घर में कंप्यूटर से गेम खेल सकते हैं? ए मेनफ्रेम कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी पर्सनल कंप्यूटर और डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर से हम घर पर कंप्यूटर से गेम खेल सकते हैं। तो ये था आपका सैम्पल पेपर ओलंपियाड एग्जाम कंप्यूटर्स के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। इससे पहले मैंने मैथ और साइंस के क्लास सेकेंड के सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर किया है, उसे एक बार अवश्य वाच करें। थैंक यू।